आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव पीपली नायक पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर तो ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। 4500 वोट और 12000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती विमला देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि इस गांव में महिलाओं का काफी सम्मान किया जाता है, इसीलिए ग्राम प्रधान द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भी लगाई गई है। 4 वर्ष में गांव को इन्होंने किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं आज भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के ग्राम पंचायत पीपली नायक में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास अब तक करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास आपने जो है विकास कार्य अब तक गाँव में करवाए हैं? रोडों का काम, शौचालय का, स्कूलों का, सब में टाइल्स भी लगी हुई है और स्कूलों पर सभी पर टाइल्स लगी हुई है। आवास मिले हैं आपके ग्राम पंचायत? आवास नहीं मिले हैं, एक भी, 3 आवास मिले हैं बस जी। और स्कूल पर क्या कार्य करवाए हैं? स्कूलों की बाउंड्री, स्कूलों का जो टाइल्स सब में और उनके शौचालय सब सही कराए। यहाँ जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार जो गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इसका लाभ आपके ग्राम पंचायत में सभी को मिला है? कनक सभी मिले हैं सभी को, जो इनके नहीं। किसानों के खाते में सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है वो सब कितने परसेंट लोग यहाँ ले पाए हैं? पैसा तो 25% मिल पाया, कुल 25% लोगों को मिला है। बाकी लोगों को ना मिलने का कारण उसमें किसी के आधार कार्ड में कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई जी। बाकी आपकी कोशिशें जो हैं जारी हैं, सभी लोगों को ये किसान जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप देखभालों ने अपने ऊपर से उतार के वो कृषि विभाग को दे रखा, कृषि विभाग वाले तो बढ़ती रहे जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है? बारात घर नहीं है, पंचायत घर, पंचायत घर है वो भी जो एक टाइम जो है खंडर हालत, जर्जर हालत में है। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र सही है। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है। अस्पताल? अस्पताल अस्पताल गांव में है जो नायक पंचायत के अंदर है। दवाइयाँ वगैरह मुहैया हो जाती हैं लोगों को आसानी से? अस्पताल में सब जो सुविधा। शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान है। बाउंड्री वॉल हो रखी है तो शमशान घाट के लिए यहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है लोगों को? यहाँ से जाना पड़ता है करीब 10 किलोमीटर गढ़ियाल, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्या यहाँ कोई भूमि ऐसी नहीं है ग्राम समाज की जहाँ पर आप शमशान घाट का निर्माण करवा सकें? भूमि भी नहीं है और भूमि है भी तो लोगों के कब्जे भूमि तो आपने कभी कोई कोशिश की इस चीज की शिकायत या कोई प्रस्ताव रखा गांव में शमशान घाट बनवाने के लिए? बहुत करे, बच्चों के लिए भी नहीं है, खेल का मैदान छोटी भी नहीं है जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? अब एक तो पेयजल की समस्या है सबसे बड़ी गांव के अंदर, फैक्ट्री पास में इसका सारा पानी दूषित है, अंडरग्राउंड है जी, तो सारा पानी दूषित हो चुका है जी। तो उसके लिए आप ओवरहैंड टैंक के लिए सरकार से जो है मांग करना चाहेंगे? टंकी की जो है ज्यादा टंकी लग जानी चाहिए पंचायत में, जिस तरह। कितना रास्ता अभी आपके गाँव में, कितने मीटर रास्ता अभी कच्चा होगा? कच्चा तो लगभग अभी 700-800 मीटर कच्चे रास्ते हैं, जो बड़ी पंचायत विकास इतना हुआ ही नहीं, अब दीवार ही हुआ जितना विकास ज्यादा से ज्यादा हुआ है। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? कम से कम 50 परिवार मान के चलो जिन्हें आवासों की अधिक से समस्या है, जो पिंडी डाल कर रह रहे हैं कुछ लोग। कोई प्रमुख समस्या यहाँ ऐसी है जिसका जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से आपकी ग्राम पंचायत में इस चीज पर ध्यान दे? दो चीजों की सबसे बड़ी समस्या, एक तो आवासों की और एक पेयजल पानी की तो इतनी समस्या नहीं रही जी, मगर आवासों की ज्यादा कुछ लोग जो पिन्नी डालकर गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ इस गांव में करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, आरसीसी रोड, सड़क निर्माण, नाले निर्माण वगैरह। आवास यहाँ केवल 3 लोगों को मिले हैं, इसके अलावा स्कूल में सौंदर्यकरण भी यहाँ प्रधान द्वारा काफी करवाया गया है। अब यदि समस्याओं की तरफ हम नजर करते हैं तो काफी समस्याएं यहाँ ऐसी हैं जिनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यहाँ पर आवासों की है। लगभग 50 परिवार यहाँ ऐसे हैं जो बहुत ही गुजरी हालत में अपना गुजारा कर रहे हैं, जिन्हें आवासों की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। यहाँ और एक प्रमुख समस्या जो सामने आई है वो पानी की है, पेयजल यहाँ पर काफी दूषित है, जिसके लिए सरकार यहाँ ओवरहैंड टैंक के लिए सरकार से मांग करना चाहते हैं प्रधान।
और जो यहाँ पर शमशान घाट जो कि नहीं है उसके निर्माण के लिए यहाँ प्रधान मांग रखते हैं। यहाँ कुछ जो ग्राम समाज की भूमि है वो कब्जा की हुई है। अच्छा पल्ली के साथ मैं नाज़रीन टुडे 24 से। जी क्या नाम है आपका? राम किशोर सिंह। 4 वर्ष हो गए हैं प्रधान जी के कार्यकाल को। विकास से संबंधित क्या विकास के मामले में कुछ कहना चाहोगे? किस तरह से विकास कराया? विकास कराया बहुत बढ़िया। बढ़िया कराया? किस तरह से? सब काम कराए, लाइटिंग बनवाई, शौचालय बनवाई, रोड भी कराई, सब काम करा दी। संतुष्ट हो आप इनके काम से? हाँ,